आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी कभी सोना चाहते पर नींद नहीं आती है? स्लीप डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एस्पिरेंट्स की। ऐसा होता है ना कई बार कि बेड पे लेटे हैं पर फिर भी नींद नहीं आ रही है, करवटे बदल बदल के थक चुके हैं पर कुछ नहीं हो रहा है, उल्टे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, ये सोचते हुए पूरा टाइम निकल जाता है। अब रीजंस के साथ सोल्यूशन बताऊंगा। देखो होता क्या है ना, सुबह शाम हमारा माइंड काम कर रहा है, पूरे जोरों से पढ़ाई कर रहा है, बट हमारी बॉडी पूरी स्टिल है। माइंड 10 घंटे पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बट हमारी बॉडी ने फिजिकली कुछ काम नहीं किया है। तो जब यार मिसमैच हो जाता है ना, इम्बैलेंस हो जाता है, तो नींद में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। कभी तुमने नोटिस किया होगा ना, बहुत ज़्यादा रनिंग करने के बाद या फिर कोई स्पोर्ट्स खेला हो तो कितना सुकून मिलता है उसके बाद, वो जब पसीना गिरता है बॉडी से, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं उस टाइम के लिए। हम होता किस लिए पता है? बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, जिसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ना स्ट्रेस को कम करता है और हमारी बॉडी खुद के लिए बहुत अच्छा फील करती है। ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है, और जब हमारी बॉडी कुछ प्रोडक्टिव करती है ना तो उसके लिए बहुत ही हैप्पी फीलिंग होती है। बट जब हम एस्पिरेंट्स होता है सुबह शाम पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं इसका रिजल्ट कब आएगा, मतलब हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद कब रिजल्ट आए, एग्जाम को अभी 8 महीने 6 महीने बाकी है, तो बॉडी खुद को सिग्नल नहीं दे पाती कि हमने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हमने आज एक्सरसाइज की, कल हमें अच्छा फील होने लगता है, मसल्स 1-2 हफ्ते बाद ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। सेकेंडली, एक्सरसाइजिंग से बॉडी थक जाती है, और जब सोने जाओगे ना तो डीप स्लीप में जाओगे। बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेस है जो पता लगाती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी डीप स्लीप में आती है। डीप स्लीप जहाँ हम 7 घंटे सो रहे हैं, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सो रहे, डायरेक्ट 7 घंटे बाद अलार्म लगा तब हम उठे, तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। तो इस टाइप की स्लीप चाहिए, और ये टाइप की स्लीप कब आएगी? जब हम बेटर एक्सरसाइज करेंगे। तो अब एक और सवाल आता है कि एक्सरसाइज करनी कब चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम के वक्त करनी चाहिए? तो मैं पर्सनली शाम के टाइम प्रेफर करता हूँ। देखो सुबह माइंड फ्रेश रहता है, एस्पिरेंट्स सुबह उठ के मस्त नहा धो के 6-7 घंटे पढ़ सकता है, उसके बाद माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार अब कुछ नहीं करने का मन कर रहा, थक भी जाते हैं हम लोग। तो इस टाइम पे ना फिर हम एक्सरसाइज करने के पार्क निकल गए, अब पार्क में गए या फिर वॉक कर सकते हो, योगा क्लास जा सकते हो, जिम जा सकते हो, पसीना बहेगा, अब पसीना बहेगा तो एंडोर्फिन्स रिलीज होगा, जैसे मैंने बताया था फील गुड हार्मोन है, बहुत अच्छा लगने लगेगा तुम्हें। तो ये अच्छा लगने के बाद ना, जो तुम्हारा स्ट्रेस था इतने सुबह से शाम की पढ़ाई का, वो पूरा उतर जाएगा। फिर घर आओ, मस्त नहा लो, खाना खा लो, खाना खाने के बाद फिर तुम्हारे पास टाइम रहेगा अच्छा खासा, 1-2 घंटे रात को जब भी सोते हो उतना पढ़ लो, और 1-2 घंटे पढ़ने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी पूरी टायर्ड होगी। ये टायर्डनेस के बाद जो नींद आने वाली है ना भाई साहब, बहुत खतरनाक होगी। अगर कुछ टाइम कर लो, 1-2 हफ्ते, देख लो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इससे तुम्हारा जो स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोमनिया हो जाता है, लोगों को नींद नहीं आती, करवटे बदलते रहते हैं, और एंजाइटी भी कम होती है, हाँ स्लीप की वजह से। अगर स्लीप तुम्हारी अच्छी होगी तो डिप्रेशन एंजाइटी के प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। तो बस यही सजेशन है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, और रिकमेंडेड इतना है कि डेली 30 मिनट कर सकते हो, 5 डेज अ वीक, दैट्स गुड। ठीक है, तो शुरू करो एंड बाय।